गुड मॉर्निंग साथियों, आप सभी का अपने चैनल सक्सेस की 90s पे स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर के आया हूँ यूपी एग्ज़ाम अपडेट के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। यूजीसी एग्ज़ाम गाइडलाइन अपडेट आया हुआ है। स्टूडेंट का पत्र रखते हुए वकील ने क्या दलील दिया था और क्या जवाब मिला था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। जब आपको पूरी वीडियो आप देखेंगे तभी आपको पूरी चीज़ समझ में आने वाली है, अन्यथा आप लोग फर्जी के कमेंट किया करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा से पूरा देखिएगा, ठीक है। तो जब तक आप लोग पूरा नहीं देखेंगे तब तक कुछ चीज़ समझ में नहीं आएगी, ठीक है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ और बता देना चाहता हूँ। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि कल 18 अगस्त है और कल की अपडेट आप सभी को तुरंत मिल सके, ठीक है। वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हो, देखते हैं क्या दलील क्या पक्ष रखी गई हैं। तो यहाँ पर देख ले सकते हैं आप लोग कि यूजीसी एग्ज़ाम गाइडलाइन 2020 लाइव अपडेट्स आया हुआ है। स्टूडेंट का पक्ष रखते वक्त वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील और मिला जवाब। क्या जवाब मिला है आप लोग देख सकते हैं कि ये जो हम आज न्यूज़ आप सभी को बता रहे हैं वो 17 अगस्त 2020 की है और 7:20 सुबह आया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये सब पुरानी पुरानी न्यूज़ है, ठीक है। मैं आज की न्यूज़ लेकर के आया हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए बात कर लेते हैं, लिखा हुआ है क्या। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएँ या नहीं, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। एक बार सुप्रीम कोर्ट में फैसला देने होने के बाद में यह साफ हो जाएगा एग्ज़ाम्स का क्या होना है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में यदि ये फैसला ले लिया जाता है कि एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम होगा, अगर एग्ज़ाम के लिए मना कर देता है सुप्रीम कोर्ट तो एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। दरअसल स्टूडेंट का पक्ष रखते वकील जो अभिषेक मनु सिंधवी हैं का कहना है कि जब क्लास ही नहीं हुई हैं तो एग्ज़ाम कैसे ले सकते हैं। सिंधवी ने कहा है कि बहुत से लोग स्थानीय लोग हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उन्हें बाद में परीक्षा देने का विकल्प देने से और भ्रम पैदा हो जाएगा। यानी देखिए सिंधवी ने क्या कह दिया है कि ये कहा है कि कुछ ऐसे मतलब जगहें हैं, कुछ स्थानीय लोग ऐसे हैं, स्थानीय हालात और बीमारी को देखते अगर बात करी जाए तो ऑफलाइन परीक्षा भी नहीं दे सकते हैं। भाई कहीं कहीं क्या हो रहा है कि ज़्यादा कोरोना का मरीज़ फैला हुआ है और कहीं कहीं कम मरीज़ है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है ऑफलाइन परीक्षा देने के लिए, ठीक है। और यदि ये कह दिया जाए कि उन्हें चलिए बाद में पेपर दिला दिया जाएगा तो ऐसा भ्रम की स्थिति पैदा हो जाएगी, ठीक है, कि कहाँ पर एग्ज़ाम होगा और कहाँ पर एग्ज़ाम नहीं होगा। भाई कोरोना का तो कोई ऐसा पता है नहीं कि भाई यहाँ आज है कम तो ये कल नहीं होगा, शायद एग्ज़ाम के दिन शायद ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो इसमें भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। सिंधवी ने इस दलील पर कोर्ट से कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी सिंधवी ने इस दलील पर कोर्ट यानी जो सिंधवी की दलील दिया गया कि कहा गया कि भाई पेपर ना लिए जाएं कोरोना को देखते हुए और ऑफलाइन देने में परीक्षा में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि ये जो फैसला है तो छात्रों के हित में ही दिखाई दे रहा है, यानी कि ये पूरी तरीके से जो ये फैसला लिया गया है सिंधवी के द्वारा, ठीक है, तो वो एकदम छात्रों के हित में है, छात्रों के हित में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है कि भारत भर में लगभग अगर बात करी जाए तो 755 विश्वविद्यालय में से 666 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार है। आयोग का निर्देश है कि परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले पूरी करा लेनी चाहिए। याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंधवी ने कहा है कि कई विश्वविद्यालय के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। देखिए सीधी सी बात यह है, इसमें क्या कहा गया है मैं आप सभी को पहले अब समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए बात क्या कही गई है, देखिए सबसे पहले आप लोग यदि यहाँ पर देख रहे हैं तो क्या कहा गया है, देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के फाइनल ईयर के एग्ज़ाम कराए जाएँ या नहीं, यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। अब बहुत बच्चे कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमको लगता है शायद वो घूस देकर के बीटीसी कर रहे हैं, हमको लगता है। भाई कुछ बच्चे ऐसे हमारे पास में कमेंट आया करते हैं, हमारे नंबर पर भी मैसेज आया करते हैं और उसमें ये पूछते हैं कि ये जो कोर्ट में आप बता रहे हैं या फ्रॉड बता रहे हैं, आप ये गलत बता रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि PNP से हमको केवल मतलब है। भाई देखिए PNP किसके अधीन होती है, PNP UGC के अधीन होती है। अब UGC का मामला कोर्ट में चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो जब तक अब सुप्रीम कोर्ट बहाल नहीं करेगी तब तक कोई एग्ज़ाम होने वाले नहीं है, इसीलिए लेट लग रहा है। आप लोग देख रहे हैं कि ये कहा गया था कि लगभग के लिए 3 हफ्ते के अंदर कोई ना कोई स्कीम बता दिया जाएगा, लेकिन आपको मालूम है 10 अगस्त 14 अगस्त
और 18 अगस्त। 10 अगस्त को सुनवाई हुआ तो 14 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया, 14 अगस्त को सुनवाई हुआ तो 18 अगस्त को ट्रांसफ़र किया गया, यानी तीसरी हेयरिंग 18 अगस्त को हमारी होने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट जैसा आदेश करती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जैसे दिल्ली सरकार है और महाराष्ट्र सरकार है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा करके सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया। जितने भी विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होती हैं उनके यहाँ, उन सभी परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे छात्र हैं जो कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे, ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि भैया अगर आपदा प्रबंधन अधिनियम वो लगा रहे हैं तो क्या हम लोग आपदा प्रबंधन अधिनियम नहीं लगा सकते हैं। तो उन्होंने यही सीधे कोर्ट से पूछा है और यूजीसी से भी पूछा है, क्या आपने जो गाइडलाइन जारी किया है वो आपकी लीगल है कि नहीं लीगल है, यानी मानने वाली है कि नहीं मानने वाली है। जैसे मान के चलिए कोई राजा होता है, उसकी प्रजा होती है, ठीक है, तो राजा जो नियम बनाए तो प्रजा को मानना पड़ेगा। उसमें से कोई ऐसे प्रजा हो जो ना माने तो ये राजा के ऊपर सवाल खड़ा हो जाएगा कि आपके जो द्वारा बनाए गए कानून हैं वो कितने लीगल हैं, भाई सब लोग मान क्यों नहीं रहे हैं। इसी तरीके से हमारी यूजीसी है। यूजीसी क्या काम करती है, जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी कॉलेज हैं, ठीक है, उनकी एग्ज़ाम को कराने के लिए दिशा निर्देश बनाती है, नियम कानून बनाती है, उसी के नियम कानून के आधार पर पेपर कराए जाते हैं। और जब तक यूजीसी, ठीक है, यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जब तक उस पर दस्तखत नहीं करता है तब तक वो डिग्री मान्य नहीं होती है, ठीक है। तो यूजीसी का अहम रोल होता है, मैं आप सभी को कई वीडियो में यही बता रहा हूँ, यूजीसी का अहम रोल होता है पेपर करवाने में। अब देखिए ये जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फंस गया है। उसमें देखिए क्या उसमें पहली सुनवाई हुई थी 10 अगस्त को, उसमें सारे मामले को रखा गया किस तरीके से, मतलब उन्होंने जो भी सिंधवी हैं, ठीक है, इन्होंने अपने अपने मतलब जो है दलील को रखा। फिर ये मामला जो है 14 अगस्त को बढ़ा दिया गया, 14 अगस्त में कुछ नहीं हो पाया है, बस उन्होंने अपनी हेयरिंग अब कर दिया है 18 अगस्त को, यानी कल के दिन कर दिया है। अब 18 अगस्त को सुनवाई होनी है। एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट मतलब फैसला होने के बाद यह साफ हो जाएगा एग्ज़ाम्स का क्या होना है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट देखिए यहाँ पर फैसला, अब सब कुछ अगर देखा जाए, बात करी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आधारित है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देती है कि फाइनल ईयर के पेपर करवाए जाएँ तो सीधी सी बात है भाई करवाए जाएंगे, चाहे जितना प्रोटेस्ट करा जाए, चाहे जितना मतलब उसके ऊपर अनशन किया जाए, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये आदेश कर देती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश कर देती है कि एग्ज़ाम्स होने हैं तो सारे एग्ज़ाम्स होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय होता है, और इसमें अगर फैसला हो गया एग्ज़ाम्स होना है तो होना है, ठीक है। और देखिए इसमें तीन चीज़ भी निकल के आ सकती हैं बाद में। देखिए एक चीज़ तो ये है, सबसे पहले हमारी बात को समझिएगा, सबसे पहले तो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम के बारे में बात करा जाएगा, फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, और उसके बाद में कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे, क्योंकि अभी भी कोई भी कॉलेज के माध्यम से, कोई भी विश्वविद्यालय के माध्यम से ये प्रमोशन वाला चीज़ नहीं बताया गया। ये बताया गया है कि फर्स्ट सेकेंड यानी कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष या प्रथम सेमेस्टर व द्वितीय सेमेस्टर व थर्ड सेमेस्टर को प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कोई भी गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है, लिखित नहीं दिया गया है कि सभी को प्रमोट कर दिया जाएगा। अभी केवल बस ऐसे न्यूज़ों में आ रहा है, सुनने में आ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी यूजीसी के माध्यम से कोई भी किसी को नहीं बताया गया है। सबसे दूसरी बात तो ये हो गई, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा, ये भी बात सामने आ जाएगी। तो बस अब हमको करना क्या है, थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है। जितने भी बच्चे हैं वीडियो को देखते हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट रहती है कि थोड़ा सा यार धैर्य बना के रखो सभी बच्चे, ठीक है। सभी लोग यदि धैर्य बना के रखेंगे तो संभवतः कोई ना कोई जो निर्णय आ जाएगा वो आपके पक्ष में आएगा, ठीक है। और एक चीज़ ये भी याद रखिएगा, पढ़ाई कभी बर्बाद नहीं जाती है। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, तो पढ़ाई आपकी कभी बर्बाद नहीं जाएगी। अगर मान के चलिए, मैं थोड़ा सा उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूँ आप सभी को, ठीक है। देखिए पढ़ाई आपकी बर्बाद नहीं जाएगी, लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है अभी भी, तो मैं उनको थोड़ा सा जानकारी दे दूँ। देखिए मान के चलिए 2018 वाले बैच या 2019 वाले बैच का मैं लेकर के चलता हूँ, जैसे इनका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों ख़त्म हो गया है, तो अगर गाइडलाइन जारी किया जाएगा तो शायद फर्स्ट को प्रमोट कर दिया जाए और सेकेंड का पेपर ले लिया जाए। लेकिन मैं अभी कह रहा हूँ, केवल मैं 100% साफ नहीं कर रहा हूँ आप सभी को कि भाई आप सभी को केवल प्रमोट कर दिया जाएगा, मैं ये निश्चित नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं एक आशा लगा रहा हूँ, एक अनुमान लगा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं तो अधिकारी हूँ नहीं, ठीक है, ना तो मैं PNP अधिकारी हूँ, ठीक है, और ना ही मैं सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हूँ,
कि भाई ये मैं आदेश कर दूं सीधे कि चलो आपदा प्रबंधन अधिनियम लगा दो और सभी के एग्जाम रद्द कर दो। भाई अगर मेरे हाथ में होता तो मैं सभी को देखते हुए मैं यही कर सकता था, लेकिन भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। तो जब तक कोर्ट का कोई आदेश नहीं आता है तब तक भाई ये कहना निश्चित नहीं है कि प्रमोट हो जाएगा, लेकिन एक अनुमान लगाया जाता है, एक असमंजस्य या फिर एक मान के चलो आइडिया लगाया जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट सेमेस्टर को प्रमोट कर दो, सेकंड का पेपर ले लो, शायद यही होगा। अगर ये नहीं होगा तो भाई किस आधार पर होगा, ये बस आधार देखने की बात है। ये एकदम कन्फर्म 18 अगस्त के बाद हो जाएगा कि किस आधार पर प्रमोट किया जाएगा। भाई कुछ ऐसे बच्चे थोड़ा सा मैं उदाहरण लेकर बताता हूँ, जिनका फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट और थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट का एग्जाम हो चुका होगा शायद, या सेकंड और थर्ड का नहीं होगा, फोर्थ में पहुंच गए होंगे, तो अगर उनके ऊपर बर्डन रख दिया जाएगा, सेकंड और थर्ड का रख दिया जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। भाई गवर्नमेंट ये भी देखती है कि बच्चे जो हैं उनके ऊपर परेशानी ना हो, मानसिक जो है उनके ऊपर तनाव ना आए, तो उसके पक्ष में भी बात करी जाएगी। ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट हमारे बारे में सोचती भी है ऐसा, ठीक है, और वो कुछ ना कुछ निर्णय निकाल लेगी, ठीक है। और ये भी बताया गया था इसमें, ठीक है, एक चीज़ ये भी बताया गया था कि क्लासें नहीं करी गई हैं, ठीक है, क्लासें नहीं हुई हैं तो एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं, सिंधवी ने बताया है, अभिषेक मनु सिंधवी ने कहा है, ठीक है, यही कहा है कि भाई अगर क्लासेस नहीं हुई हैं तो एग्ज़ाम कैसे हो सकते हैं। तो मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताया था कि भाई एग्ज़ाम्स नहीं हुए तो ये काम करो, एग्ज़ाम करवा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, एग्ज़ाम करवा लो और, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको पढ़ाया जाए, सबसे पहले पढ़ा दो, ठीक है, हमारी क्लासेस चलाई जाएँ। इसे मान के चलिए फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर दोनों ख़त्म हो गया है, ठीक है, दोनों ख़त्म हो गया, तो ठीक है भाई फर्स्ट तो हमने पढ़ा है, लेकिन सेकंड की पढ़ाई नहीं की, अब ठीक है पहले सेकंड पढ़ाओ हमको, तब तक के लिए हमारे फर्स्ट के एग्ज़ाम ले लो और सेकंड हमको पढ़ा दो, उसके बाद में हमारे क्या कहते हैं एग्ज़ाम लो सेकंड, कोई दिक्कत नहीं है, भाई थोड़ा सा लेट लपेट हो जाएगा, लेकिन वो कन्फर्म जानकारी तो हमको मिल जाएगी। अगर हमको पढ़ाया नहीं जाएगा तो हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। मान के चलिए डीएलएड हमने कर लिया, अब डीएलएड करने के बाद में जब कहीं हमको टीचिंग लगेगी, हमको कुछ मालूम ही नहीं है, तो हम पढ़ाएंगे क्या बच्चों को। भाई असाइनमेंट करवाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, इंटर्नशिप करवाने से कुछ होता नहीं है कि बस वहाँ पर जॉब पढ़ा दो, भाई क्या पढ़ाएंगे, जब हमको मालूम होगा तभी तो कुछ पढ़ाएंगे। और ये अगर अगर मान के चलिए प्रमोट हो रहा है ना, तो ये मान के चलो सबसे दुर्भाग्य होगा आप लोग के लिए। अब मैं दुर्भाग्य क्यों कह रहा हूँ, ठीक है, मैं इसलिए कह रहा हूँ दुर्भाग्य होगा आप सभी के लिए कि आप लोग पढ़े नहीं, सेकेंड सेमेस्टर मानो प्रमोट कर दिया, ठीक है, अब सीटेट या टेट आप देने गए हैं, अब सेकेंड सेमेस्टर का वहाँ पर कोर्स कोई ना कोई आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, कुछ ना कुछ वहाँ से आएगा, तो आप लोग वहाँ से कर ही नहीं पाएंगे। अब आप कर नहीं पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी, टेट फी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये कहता हूँ कि सभी के पक्ष को देखते हुए, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, तो भाई किसी को प्रमोट ना करो, भाई सभी को पढ़ाओ, ठीक है, किसी को प्रमोट ना करो, सभी को पढ़ाओ, फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम ले लो 2019 वाले के लिए, और सेकेंड को सबसे पहले पढ़ा दो, पढ़ाने के बाद में, ठीक है, और फिर उसके बाद में पेपर ले लो। इसे यार जो भी होगा टेट और फी टेट के लिए हम लोग अच्छे से वेल मेंटेन हो पाएंगे, ठीक है। अब सब कुछ ये जरूरी नहीं कि सब सीटेड में ही पढ़ा दिया जाए, कुछ पहले से हमको प्रिपेयर होना पड़ता है। अब सेकंड में जो पढ़ाया जाएगा, थर्ड में जो पढ़ाया जाएगा, फोर्थ में जो पढ़ाया जाएगा, वही सब कॉम्बो ही तो सीटेड और टेट में आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे नहीं तो जानकारी हमको नहीं होगी, तो अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, नॉलेज के हिसाब से देखा जाए, तो प्रमोट ना करो यार, प्रमोट ना करो, सीधे एग्जाम लो, पढ़ाई करा के एग्जाम लो, मैं ये कहता हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ और खबरें हैं, मैं इसके बारे में भी चर्चा कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए बात लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में आज से नया सत्र शुरू हो जाएगा, औपचारिकताएं चालू कर दिया गया है, ये भी 17 अगस्त, ठीक है, 17 अगस्त को न्यूज आया है, रात को लगभग के लेकर 2:18 पर अपडेट किया गया था, ठीक है। चलिए लिखा हुआ है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संघटक विश्वविद्यालय महाविद्यालयों में 17 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ पुराने छात्रों के नए सत्र की शुरुआत होने जा रही है, यानी जो भी स्टूडेंट ओल्ड हैं पहले से पढ़ रहे हैं उनके लिए नए सत्र की शुरुआत किया जा रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मॉडल प्लेटफॉर्म और अन्य माध्यमों से ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। इसी क्रम में जो हमारे CMP डिग्री कॉलेज में जो रविवार को इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति RR तिवारी ने एंट्री ग्रेडेड वेबसाइट का उद्घाटन कर दिया है। संगठक महाविद्यालयों में CMP ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटीग्रेटेड वेबसाइट तैयार करने वाला पहला कॉलेज बन चुका है, यानी कि वहाँ से 17 अगस्त यानी आज के दिन से सभी को लाइव क्लास पढ़ाया जाएगा, ठीक है। वेबसाइट में लाइव क्लास और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल भी सुविधा दिया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय एवं संगठक
कॉलेजों में 17 अगस्त से ऑनलाइन पढ़ाई के साथ नए सत्र की शुरुआत किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेता हूँ। यूपी में ग्रेजुएट के लिए बहुत अच्छी खबर है, तुरंत करें अप्लाई। देखिए, जो भी बच्चे डीएलएड वाले हैं वो ग्रेजुएट अक्सर होते हैं, ठीक है, और ग्रेजुएट होने के साथ साथ में उनको जॉब की ज़रूरत होती है। तो ये मैं आपके लिए सुनहरा मौका है, मैं थोड़ा सा आपके लिए आपके हित की बात में सोच करके लेकर के आया हूँ। ठीक है, यदि आप लोग को देखना होगा देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर लिखा हो कि उत्तर प्रदेश में कई सारे पद ऐसे हैं जहाँ पर लगातार वैकेंसी है, ठीक है, जिसे आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ऐसे बहुत से युवा वर्ग हैं जो उत्तर प्रदेश में अलग अलग विभागों में नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन कई बार उन्हें मौका नहीं मिल पाता है। तो इसके लिए उन व्यक्तियों के लिए एक बेस्ट मौका है क्योंकि UPPCL यानी कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में कई सारे पद हैं जो ज़बरदस्त वैकेंसी निकाला गया है। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। UPPCL में के इन पदों पर उम्मीदवार 29 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता का अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 सितंबर को रखा गया है। अधिक जानकारी के लिए आप लोग ये जो वेब पोर्टल दिया गया है यहाँ पर आप लोग जा सकते हैं, www.uppcl.org पर आप लोग जा करके विजिट करके वहाँ पर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो जानकारी आप सभी को दिया गया होगा वो आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि अंत में मैं आप सभी को बता दूं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। अच्छी लगेगी तो वीडियो का लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, जिससे कि हमको भी मोटिवेशन प्राप्त होता है। ठीक है, और मैं आप सभी को जाते जाते बता दूं, यदि आप सभी को कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में हमारा नंबर दिया गया है, आप लोग वहाँ पर व्हाट्सएप SMS के जरिए भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे तो मैं डेली एक ही वीडियो बनाता हूँ जो भी अपडेट आता है, और बीच में जो अपडेट दिन भर में आया करता है मैं वहीं पर टाल देता हूँ। ठीक है, तो आप लोग वहाँ पर जुड़ करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेता हूँ आप फिर विदा, मिलूँगा अगले दिन कोई अच्छी सी खबर के साथ में, और कल जो है कोर्ट का आदेश आने वाला है तो उसी के साथ में मिलूँगा आप सभी से। तब तक के लिए गुड बाय, और हमारे चैनल पर बने रहिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेता हूँ अलविदा, मिलूँगा अगले दिन, तब तक के लिए गुड बाय।